आज हमारे साथ मौजूद हैं आम्रपाली सफायर फेस टू के प्रेसिडेंट मिस्टर भूपेंद्र सिंह मलिक सर। सर आज नोएडा की अथॉरिटी की टीम ने यहाँ पर विजिट किया है सर, क्या क्या विजिट के दौरान आपने उन लोगों को बातें बताई, क्या आप समस्याएं बताई? आज सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम यहाँ प्लानिंग टीम यहाँ पर आई थी, पूरे प्रोजेक्ट का हमने उनको वॉक थ्रू कराया है। जो इसमें कमियाँ पेशियाँ हैं वो हमने सारी उनको दिखाई गई हैं। फॉर इंस्टेंस उनको लिफ्ट दिखाई गई है, जहाँ पर दो या तीन लिफ्ट होनी चाहिए वहाँ पर एक ही लिफ्ट चल रही है। उसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम दिखाया है उनको, यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम का। उसके बाद जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल वगैरह, वो कंप्लीट नहीं है, वो उन्होंने देखे हैं। उसके अलावा कई टावर्स ऐसी हैं जिसमें काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, और कई ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। जबकि बिल्डर ने बोला है कि उन्होंने एक टावर वाइज प्लान कोई सबमिट करा है नोएडा अथॉरिटी के पास, लेकिन हमारे को अभी उसकी कोई नॉलेज नहीं है। कई जगह पर बिल्डर ने, जो रिप्रेजेंटेटिव थे बिल्डर के हमारे साथ, उन्होंने नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स ने जब उनसे पूछा कि आप इस काम को कब तक कर पाएंगे, तो कहीं पर उन्होंने बोला हम 2 महीने में कर देंगे, किसी चीज़ को बोल रहे हैं 3 महीने में। लेकिन मेरे उम्मीद ये है कि ये इतनी जल्दी काम खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। दूसरी चीज़ है कि जो पार्ट रजिस्ट्रेशन की बात आजकल मीडिया में भी हुई है, नोएडा अथॉरिटी ने बोला कि आप पार्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो जो कंप्लाइंसेज हैं वो हमारे अभी इस फेज टू के लिए पूरे नहीं है। और जो 3-4 टावर्स जिसमें 90% ऑक्यूपेंसी है, उसमें भी वो पार्ट रजिस्ट्रेशन अभी इन नियर फ्यूचर मेरे को नहीं लगता। तो सर क्या आश्वासन दिया नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग टीम ने आपको, और सर कौन शख्स आए थे, क्या नाम? नोएडा अथॉरिटी की साइड से मिस्टर प्रवीण आए थे, जो कि मेरे ख्याल से प्लानिंग के हेड हैं। वो उनके साथ उनके 3-4 ऑफिशियल्स थे, वो उन्होंने ऑन ग्राउंड को कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम अपनी रिपोर्ट जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द बिल्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द लेटेस्ट। सर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं वो बसते नजर आए सर, तो क्या इस बात का भी शक हो सकता है कि वो क्यों आखिर मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के बीच कोई साठगांठ हो सकती है? ऑब्वियसली अगर इतने ड्यूज हैं बिल्डर्स के जो उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को देने हैं, और अभी तक इतने सालों में नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं रिकवर करे। उसके अलावा फॉर इंस्टेंस इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 400 फैमिलीज जहाँ रह रही हैं विदाउट एनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो क्या नोएडा अथॉरिटी को मालूम नहीं? यहाँ पर वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो, नोएडा अथॉरिटी को मालूम है कि यहाँ 400 फैमिली रह रही है? तो दिस कैनॉट बी रूल्ड आउट कि ये दोनों में सांठगांठ है, क्वाइट पॉसिबल। तो सर आपको क्या उम्मीद है कि आज इस मीटिंग के बाद, इस इंस्पेक्शन के बाद कितना रिजल्ट निकल सकता है और किस हद तक जांच में तेजी आ सकती है? ये सर्टेनली, पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया, दूसरा योगी जी गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसको काफ़ी पुश दिया है इस मुहिम को। तो आप सबके सहयोग से और योगी जी की गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमें लगता है, और अभी जो इनका एटीट्यूड दिख रहा है नोएडा अथॉरिटी का, इट इज़ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। आई थिंक दे वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस इशू, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान हो। सर एक बात और कि जब हमने अभी बात करने की कोशिश करी प्रवीण जी से और जो आम्रपाली के रिप्रेजेंटेटिव थे श्रीवास्तव जी, तो सर दोनों ही कहीं ना कहीं हमसे बात करने से बचते हुए नजर आए, भाग रहे थे। तो क्या सर उन्होंने कुछ ऐसा लोगों को भी कहा था कि मीडिया नहीं होनी चाहिए आज इंस्पेक्शन के दौरान, कुछ ऐसी बात भी थी? यस ऑब्वियसली दे वांटेड, दे सेड कि हमारा एक पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द विजिट है, वी वांट टू इंस्पेक्ट दिस, एंड हम ना ज़्यादा वहाँ पर लोगों को चाहते हैं ना ज़्यादा मीडिया को चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काम में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, इसलिए दे वर वांटिंग कि कम से कम रिजल्ट्स हो और मीडिया का कवरेज ना हो।